किसी महिला के लिए खूबसूरत लंबे और घने बाल एक आभूषण है। कई वर्षों से सहेज कर संभाल कर किसी महिला ने बालों को पाला, जो उसकी सुंदरता की पहचान हो और फिर उन्हें परोपकार के लिए बालों को काट कर दान कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से यह त्याग अत्यंत प्रेरणास्पद और अनुकरणीय है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में एक 28 वर्षीय गृहिणी ने कैंसर रोगियों की मदद के लिए अपने 9 साल के बाल दान कर दिए। 28 वर्षीय गृहिणी स्वर्णाली समाधार ने अलीपुरद्वार जंक्शन स्थित एक सैलून में गई और अपने 9 वर्षीय से बढ़ाए गए 14 इंच लंबे बाल कटवा दिए। माना जाता है कि हर कोई अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट के पास अपने बाल कटवाने जाते हैं, लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है। स्वर्णली द्वारा करवाया गया हेयर कट खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि स्वर्णली की सोच आम लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग है। अब इसको सुनने से पहले ये जान ले कि स्वर्णली के इसी लंबे बालों की खूबसूरती को देखकर कुछ बिहार के एक युवक को अलीपुरद्वार नगर पालिका के भांगापुल क्षेत्र की रहने वाली स्वर्णली से प्यार हो गया था। इसी कारण उन लोगों की शादी भी हुई, लेकिन स्वर्णली ने सोमवार को अपने बाल को कैंसर रोगियों को दान कर दिया। स्वर्णली समाधार पिछले 9 सालों से कैंसर रोगियों के लिए अपने बाल की देखभाल कर रही थी। सोमवार स्वर्णली ने अपने लंबे बालों को काट कर अपने लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करने के लिए वैदिक समाज नामक एक स्वयंसेवी संस्था को दान कर दिया। इससे कैंसर रोगियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, यह सोचकर स्वर्णली के पति स्नेहकुर दास बहुत खुश है। यदि आपको यह पहल चराहट कर लगी है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब आइए उनके ही जुबान से सुनते हैं पूरी कहानी। অনেক ছোটবেলার থেকে চুল এত লম্বা আমার, মানে ছোটবেলার থেকেই চুল, 6-7 পড়া থেকে ছোট থেকেই তো চুল লম্বাই ছিল, মনেও বলতেও পারবো না চুল ছোট কবে ছিল আর কি। না, কোনোদিনও কাটিনি, এই ফার্স্ট টাইম। এইভাবে এই ক্যান্সার পেশেন্টদের ডোনেট করবো জন্যই নিজের চুলকে এত বড় করা আর দেওয়া। আগে সুযোগ হয়নি, এখনই দাদাদের জন্য সুযোগ হয়ে হলো। চুল বড় তো ছোট, মানে ছোটবেলার থেকেই ছিল, চুল কাটা হয়নি। তো বড় হওয়ার পরে এখন রিয়েলাইজ করলাম যে না, কারোর জন্য যদি কিছু করতেই হয় তাহলে করি, এদের জন্যই কিছু করি, যদি আমার চুল পেয়ে কারো উপকার হয় তাহলে হোক, সেই জন্যই ভাবা। তারপরে এই দাদাদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করাই, বৈদিক সমাজে দাদাদের কাছে। তারপরে দাদাই সব প্রসিডিওর করলেন, আমি খালি আসলাম এখানে। ক্যান্সার পেশেন্টদের তো কেমো করার ফলে চুল পড়ে যায়, তো আমি ভেবেছি যে আমার চুল দিয়ে তাদেরকে, তাদের মুখে হাসি ফোটানো যায়, সেই সব সেই একজনের কে, তাহলে সেজন্যই ছোট ভাবা আর দেওয়া। না, এমনিতে ভালোই লাগছে, কিন্তু আগেরটা বেটার ছিল, কারণ ওর চুল দেখে আমি প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম, সেই জন্যই বললাম। না, ঠিক আছে, এখনও বেটার আছে আমার স্ত্রী।